इंडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री राहुल गांधी जी आजकल यात्रा पर निकले हैं और अपनी यात्रा के संदर्भ में वो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की जनता श्री राहुल गांधी जी से कुछ सवाल पूछना चाहती है, जिसके जवाब श्री राहुल गांधी जी को देने हो। श्री राहुल गांधी जी को बताना होगा कि भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेवार है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तो सत्ता के लालच में किसने, किस खानदान ने भारत के विभाजन की अनुमति दी? और श्री राहुल गांधी जी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग से कानून, अलग से झंडा और अलग से यहां प्रधानमंत्री की अनुमति दी। एक देश में एक कानून होता है, एक देश में एक झंडा होता है, हर एक देश में एक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने, जिनका वो महिमा मंडप करते हैं, उन्होंने देश की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में अलग से कानून दिया? क्या कारण थे कि राहुल गांधी जी के खानदान ने जम्मू कश्मीर में अलग से झंडा दिया? और क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी जी के खानदान ने अलग से प्रधानमंत्री दिया? क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम दिया गया? भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय